Alright guys, this is my new smartwatch. What's up guys, this is Rajdeep and welcome back to another vlog. And आज है मंडे एंड अभी टाइम हो रहा है अराउंड 10:28 एंड हम लोग निकल रहे हैं गुवाहाटी से. आज मेरे साथ संजीव भी अपना घर जाएगा. सो हम दोनों मिलके अभी निकलेंगे. हम लोग का कुछ काम भी है फैंसी बाजार में. सो उसको भी करेंगे. सो अभी टाइम हो चुका है 10:30 एंड हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली सोच लिया है कि हम लोग देर या दो बजे गुवाहाटी से निकल जाएंगे. सो पहले वो काम सब निपटा लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. 346 minutes late. All right guys, so finally हम लोग गुवाहाटी से निकल रहे हैं एंड अभी का टाइम हो चुका है 3:30 इन द इवनिंग. एंड अभी हम लोग मालेगांव क्रॉस करने वाले हैं एंड मालेगांव का फेमस जैम. मालेगांव में जो जैम लगता है ना, वर्ल्ड फेमस जैम है मालेगांव का. सो अभी देखते हैं आगे जैम मिलेगा कि नहीं. अगर ना मिले तो बहुत ही अच्छा. सो होप फॉर द बेस्ट. एंड हम लोगों का बहुत सारा टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो चुका है क्योंकि बहुत सारा काम था. संजीव भाई को अपना लैपटॉप ठीक करवाना था, मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था एंड बाकी लंच वगैरह हम लोगों ने कर लिया. सो ये देखो मालेगांव का जैम स्टार्ट यहाँ से. अगर बुरे जाम में फंसे ना, एक घंटा मिनिमम. एक्चुअली यहाँ पर एक ब्रिज का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसके वजह से जैम और भी बढ़ गया है. तो ओके गाइस, मैं इस जैम से निकल लेता हूँ एक बार, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं. Thousands of tears later. तो ऑलराइट गाइस, उस ट्रैफिक से हम लोग अभी निकल चुके हैं एंड अभी मैं क्रॉस करने वाला हूँ ब्रह्मपुत्र रिवर. इसको क्रॉस करने के बाद ही मैं निकल जाऊंगा गुवाहाटी से. एंड क्या ही खूबसूरत नजारा है मेरे लेफ्ट साइड में. एंड ट्रैफिक में चलाते चलाते ना हाथ वाथ पूरा दर्द कर रहा है अभी. सो मैं जब घर से आ रहा था ना, मैं ग्लव्स लाना भूल गया था. मैं जब हाईवे पे पहुंचा था तब मुझे याद है मैं ग्लव्स नहीं लाया. इसके वजह से ना ट्रैफिक में ज़्यादा टाइम राइड करने से हाथ पूरा दर्द करता है क्लच एंड ब्रेक के कारण. सो अभी हम लोग को ट्रैफिक वाफिक ऐसा मिलने वाला नहीं है. सो अभी कंटिन्यू हम लोग खींचने वाले हैं. सो आई होप अभी अगर 3:30 हो रहा है सो अराउंड 7 बजे तक मैं कोकराझार पहुँच जाऊँगा. 7 or 7:30 तक मैं कोकराझार पहुँच जाऊँगा. सो ओके गाइस, अभी थोड़ा रुक के मैंने कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट किया है एंड आई थिंक अभी अच्छा व्यू आ रहा होगा. एंड अभी हम लोग चांगसरी पहुंचने वाले हैं. आगे मिलेगा हम लोगों को चांगसरी टोल गेट. एंड अभी ऑलमोस्ट 4 बजने वाला है. लास्ट टाइम इस होटल में हम लोग लंच किए थे जब हम लोग शिलोंग राइड करके आ रहे थे. बहुत ही टेस्टी खाना था यहाँ पर. बस का नाम है सेला एंड अरुणाचल में एक पास का नाम है सेला पास. अच्छा, तो ये बस अरुणाचल का है. वही मैं बोल रहा था, जो बस में लिखा है वह सेला एंड अरुणाचल में भी एक सेला पास है. सो अभी जाके मैं नंबर प्लेट देखा, बस का और AR लिखा हुआ है, मतलब अरुणाचल. चलो बस, टाटा बाय बाय, हैव ए सेफ जर्नी. सो गाइस, हम लोगों ने जस्ट बाहेटा चारियाली क्रॉस किया है एंड वेदर देखो ना कितना डार्क होके रखा है. एकदम सडनली चेंज हो गया वेदर एंड वेदर रिपोर्ट में भी दिखा रहा था गुवाहाटी में थंडरस्टॉर्म एंड बारिश है. तो जितना जल्दी हो सके गुवाहाटी से जल्दी जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि आने के टाइम में भी बहुत बारिश एंड थंडरस्टॉर्म मिला था हम लोगों को. अभी जाने के टाइम में प्लीज भगवान बारिश एंड थंडरस्टॉर्म मत दे देना, नहीं तो सब GoPro खोल के मुझे बैग में डालना होगा. आने के टाइम में सेम हुआ था इसलिए मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया था. सो गाइस, बहुत ही ताबड़तोड़ राइड के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं हावली बोरपेटा. एंड अभी भी वेदर बहुत ख़राब है, कभी भी बारिश आ सकता है. सो अभी एक चाय ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि चाय इज मेन ड्यूरिंग राइड. तंदुरुस्ती की सुरक्षा करता है चाय ड्यूरिंग आवर राइड. सो अभी चाय पीते हैं उसके बाद निकलते हैं. यहाँ से अराउंड और 100 किलोमीटर है कोकराझार. तो ऑलराइट गाइस, चाय बन के आ चुका है एंड संजीव फीलिंग कैसा रहा? ऑसम संजीव, आ गया फर्स्ट टाइम गुवाहाटी से कोकराझार जा रहा हूँ तो बात ही अलग है. एक्चुअली संजीव का फर्स्ट टाइम बाइक राइड हो रहा है, मतलब इतना दूर. तो इसलिए मैं पूछा फीलिंग कैसा है, तो बोल रहा है अच्छा लग रहा है.
सो वही अभी चाय पीते हैं एंड उसके बाद जल्दी से निकलते हैं। ओके गाइस, चाय पानी का ब्रेक तो हो चुका है, हमने तो चाय पी लिया, अभी धन्नो को थोड़ा पेट्रोल पिलाना है। इसमें सिर्फ एक बार शो कर रहा है, तो आगे किसी पेट्रोल पंप पे जाके इसको रिफ्यूलिंग कर लेते हैं। अभी तो एक बार भी नहीं दिखा रहा है, सब फुल टैंक कर लेते हैं। फुल कर दियो, नया डिजाइन बनाया। डिजाइन टा भाला लगे, सो गाइस 1500 का पेट्रोल भरवा लिया, पूरा फुल टैंक, अभी टेंशन नहीं है। सो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज सेकंड डे एंड अभी टाइम हो रहा है 1:30 लगभग बज रहे हैं। सो अभी मैं निकल चुका हूँ घर से एंड मेरे साथ है नीलांजीत एंड दोनों मिलके हम लोग जा रहे हैं धन्नो को वॉश करवाने, क्योंकि काफ़ी गंदा हो चुका है। मतलब कोलकाता राइड के बाद भी मैं वॉश नहीं करवाया एंड फिर उससे गुवाहाटी राइड करके आया एंड बहुत ही गंदा हो चुका है, बारिश में पूरा धूल मिट्टी एकदम, मतलब क्या ही बोले। सो अभी जा रहे हैं, सामने एक वॉशिंग सेंटर है वहाँ पर जाके धन्नो को वॉश करते हैं एंड मेरे अमेजोन से एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर किया था वो भी आ चुका है। एक्चुअली मैं जब गुवाहाटी था तभी आ चुका था, लेकिन मैं घर में अवेलेबल नहीं था इसलिए मैं बोला आप कोरियर सेंटर में रख दो, मैं बाद में पिकअप कर लूँगा। सो उसको भी लाने जाना है। सो अभी जल्दी से जाते हैं वॉशिंग सेंटर एंड करते हैं धन्नो को वॉश। सो फिलहाल आ चुका हूँ वॉशिंग सेंटर एंड गाइस देखो काफ़ी गंदा हो चुका है, मतलब पूरा धूल मिट्टी लग के एकदम पूरा खराब हो चुका है एंड इसको तो क्या ही बोले, एकदम मतलब क्या मजा ही लग रहा है देखने में इसको। सो अभी जल्दी से इसको वॉश करते हैं उसके बाद निकलते हैं स्मार्ट वॉच को लाने। तो ऑलराइट गाइस, अभी वॉश हुआ नहीं है क्योंकि वॉशिंग सेंटर के सारे स्टाफ खाना खाने जा रहे हैं। सो उन लोगों ने बोला बाइक रख के जाने के लिए, लेकिन मुझे जाना है अमेजोन का एक पार्सल आया उसको पिकअप करने के लिए। सो मैं बोला आधा घंटे बाद आ रहा हूँ। सो पहले जाते हैं जो मेरा स्मार्ट वॉच डिलीवरी हुआ है उसको लेके आते हैं, उसके बाद देंगे धन्नो को वॉश करवाने। पार्सल असिल कल डिलीवर गुवाहाटी। ऑलराइट गाइस, दिस इज माय न्यू स्मार्ट वॉच, पकड़ो। तो ऑलराइट गाइस, मेरा जो पार्सल था वो हमने पिक कर लिया है, अभी जाते हैं फिर से वॉशिंग सेंटर में। वॉशिंग सेंटर के जो भाई लोग हैं उस लोग तो खाना खा रहे होंगे, लेकिन हम लोगों ने सोचा वहीं पे तो जाके थोड़ा वेट कर लेते हैं क्योंकि अभी फिर से घर जाएंगे, फिर से वापस आएंगे, मतलब बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो अभी जाके वहाँ पे थोड़ा वेट कर लेते हैं एंड गाइस कोकराझार का भी जो वेदर है ना एकदम डायरेक्ट एकदम गुवाहाटी जैसे होके रखा है, मतलब इतना धूप भी नहीं लेकिन गर्मी थोड़ा बहुत है एंड क्लाउडी, मतलब लाइक काइंड ऑफ क्लाउडी वेदर है। एंड गाइस यहाँ पर एक मिरर था ऐसे वाला वाइड एंगल मिरर, वो भी गुवाहाटी जाते टाइम कहीं पे खोल के गिर गया, पता नहीं कहाँ पे गिरा एंड थैंकफुली मेरे पास और एक है, सो मैं उसको यहाँ पर लगा दूंगा आफ्टर वॉशिंग। सो गाइस अभी का टाइम हो चुका है 2:27 एंड अभी करते हैं नीलांजित को ड्रॉप एंड मैं भी चलता हूँ घर क्योंकि लगा है बहुत जोरों से भूख। जैसे कि मैं कल रात को गुवाहाटी से आया, सो कुछ भी फाइल गोप्रो से कॉपी नहीं हुआ है, सो अभी जाके सारा फाइल कॉपी करना है एंड एडिटिंग में भी बैठना है।